टुडेज लेक्चर अबाउट स्पेसिफिक हीट। यूनिट हमारा 9 ही है और टॉपिक हमारा हीट है, और इसके अंदर जो हम टॉपिक पढ़े हैं वह स्पेसिफिक हीट। व्हाट इज़ स्पेसिफिक हीट? इससे पहले हमने हीट और यूनिट्स ऑफ हीट के बारे में पढ़ा था, अब हम स्पेसिफिक हीट के बारे में पढ़ेंगे। इसकी डेफिनेशन क्या है? स्पेसिफिक हीट इज़ अ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। यानी स्पेसिफिक हीट वो हीट है जो कि 1 ग्राम किसी भी सब्सटेंस का जो टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आप जो यूज़ करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उस स्पेसिफिक हीट कहते हैं। और इसकी जो यूनिट है, यूनिट जो हम जो लिखते हैं वो है कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री। जैसे हम कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, जैसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे और ये हम वर्ड्स में लिखेंगे। इसी तरह एक और यूनिट भी, अगर हम किलो कैलोरी की बात करें तो किलो कैलोरी पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस, और किलो कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये था हमारा, यहाँ आएगा आपके पास किलोग्राम आएगा। ठीक है, और इसी तरह अगर आपने किसी भी सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट के बारे में आपने उसकी अमाउंट निकालनी है, तो उसके लिए जो आप फार्मूला यूज़ करेंगे उसका फार्मूला क्या है वो आपको लर्न करना पड़ेगा, वो है क्यू इज इक्वल टू एम एस टी। अब व्हाट इज़ एम? एम क्या है? दैट इज़ द मास ऑफ द बॉडी। और एस क्या है? एस दैट इज़ द स्पेसिफिक हीट। एंड द टी इज़ द राइज इन टेम्परेचर, यानी टी ऑफ द बॉडी। ठीक है, और ये क्यू क्या है? दैट इज़ द क्वान्टिटी ऑफ हीट जो कि बॉडी गेन करती है या लॉस करती है। ठीक है, तो ये फार्मूला आप यूज़ करेंगे। और स्टूडेंट्स, इसके अलावा पेज नंबर 136 पे आपके पास एक उन्होंने कॉलम दिया हुआ है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज और सम कॉमन सब्सटेंस, तो ये भी आपने याद करनी है। जैसे वाटर है, इसकी 1.00 है, और लेड की 0.03 है, कॉपर की 0.09 है, जिंक 0.09, आयरन 0.11, आइस 0.05, एल्यूमिनियम 0.21, केरोसिन ऑयल 0.51, अल्कोहल 0.58, और मरकरी का है 0.03। तो ये आपने टेबल जो है ये भी आपने अच्छे तरीके से लर्न करना है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा आज के लेक्चर का जो लास्ट टॉपिक है वो है मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट। यानी मैटर जो है उसकी आप उसकी स्टेट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यू नो दैट द मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड और गैस। एंड द मोस्ट फेमिलियर एग्जाम्पल ऑफ द सब्सटेंस दैट कैन एग्जिस्ट इन ऑल द 3 फॉर्म्स इज द वाटर। ओके, यानी वाटर जो है वो तीनों फॉर्म्स में मिलती हैं। इस 3 फॉर्म्स आर जैसे आइस जो सॉलिड फॉर्म में है, वाटर लिक्विड, और वाटर वेपर्स गैस की फॉर्म में है। अब इसके लिए हम कुछ एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हेन आइस इज हीट, यानी जब आप आइस को हीट करते हैं, इट चेंज इनटू वाटर, वो वाटर में चेंज हो जाती है। ऑन फर्दर हीटिंग, फिर आप उसे और ज़्यादा हीट देते हैं, देन वाटर चेंज इनटू स्टीम, वो स्टीम में चेंज हो जाता है। अब इसकी क्या रीज़न है? इसकी रीज़न ये है, व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड स्ट्रांगली, जब आप सॉलिड को बहुत स्ट्रांगली हीट देते हैं, द मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट सो फार, तो फिर उसके मॉलिक्यूल बहुत वाइब्रेट करते हैं, दैट आर अनएबल टू होल्ड देयर फिक्स पोजिशन एंड स्टार्ट मूविंग। और जब वो मूव करना शुरू कर देते हैं, द बॉडी नो लॉन्गर रिमेन अ सॉलिड, तो इस तरीके से फिर बॉडी सॉलिड फॉर्म में नहीं रहती, एंड इट बिकम्स अ लिक्विड। अब इसके बाद फर्दर, जब आप लिक्विड को हीट देते हैं, देन मेक्स अ मॉलिक्यूल सो मच मोबाइल, तो उसके मॉलिक्यूल और ज़्यादा मोबाइल हो जाते हैं, मूव करना शुरू कर देते हैं, देन दे फ्लाई ऑफ द सरफेस, यानी सम टाइम सरफेस से बाहर भी आ जाते हैं, एस्केप एज मॉलिक्यूल्स ऑफ वेपर्स और गैस। ठीक है, यानी वो उस फॉर्म में वो बाहर आ जाते हैं। तो इट मींस हम ये कह सकते हैं कि सॉलिड को अगर हम हीट दें तो वो लिक्विड बन जाती है, लिक्विड को अगर हम फर्दर हीट दें तो वो क्या बन जाती है, गैस की फॉर्म में आ जाती है। अब इसके बाद नेक्स्ट 2 डेफिनेशंस हमारे पास हैं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको बता दें, टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस चेंज इट्स स्टेट, यानी वो टेम्परेचर जिस पर कोई सब्सटेंस अपनी स्टेट चेंज कर लेता है, यानी सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, दैट इज़ कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। और इसी तरीके से फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, द टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस चेंज इज स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड, यानी टेम्परेचर जिस पर सब्सटेंस जो है वो लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में आ जाते हैं, हम क्या कहते हैं, उसका फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। अब इसमें मेल्टिंग पॉइंट जो है, इसके लिए भी आपको दिया गया है, ये कॉलम दिया गया, ये टेबल दिया गया, इसको आपने याद करना है। ठीक है, ये है आपका मेल्टिंग पॉइंट का टेबल।
और इससे रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 है, वो आपने याद करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।